दोस्तों बात करने वाले सुन लो एनर्जी स्टॉक के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम आप देखेंगे स्टॉक के अंदर हमें 1-1.5% का अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कल की वीडियो में आपको बताया गया था कि देखो आज रिवर्सल आने वाला है, क्योंकि 2 दिन से स्टॉक लगातार गिर रहा था एंड जो रिटेस्टमेंट है वो स्टॉक में बाकी था। तो 50 के बाद के जो लेवल्स थे वो रिटेस्टमेंट के रहने वाले थे। करंट टाइम में देखा जाए 53 का लेवल अभी के टाइम नजर आ रहा है एंड मेन पॉइंट के एएसएम स्टेज 2 में। तो अभी के टाइम सर्किट लिमिट में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे एएसएम स्टेज से बाहर होगा तो हमें जो सर्किट लिमिट है 10% के आसपास की नजर आ सकती है। मेन पॉइंट जो हमारा टारगेट अभी के टाइम 60 रुपए के आसपास का, जो कि बड़े प्लेयर्स का भी टारगेट है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा। एंड मेन पॉइंट यहाँ पे कि यहाँ पे दोस्तों Q1 के रिजल्ट भी दिखेंगे, तो रिजल्ट में भी इस बार दोस्तों कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो डेप्थ है कंपनी का वो जीरो हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो जो प्रॉफिट है प्रॉफिट के अंदर हमें बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। एंड जो हम बोल रहे हैं कि भाई ये 80 भी जाएगा 100 भी जाएगा, वो भी आने वाले टाइम में लेवल्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। मेन पॉइंट अभी के टाइम देखोगे बजट सामने है एंड रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भाई गवर्नमेंट अभी के टाइम बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो इन सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एंड जो FIDI वालों का जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी के टाइम इनमें रहने वाला है। जैसा कि आप डाटा देखोगे अभी के टाइम तो आज मार्केट में नया हाई लगता हुआ देखने को मिला। मार्केट आज 24,000 के आसपास देखने को मिला, 24,000+ तक के यहाँ पे इंट्राडे हाई थे मार्केट के। करंट टाइम पे मार्केट 24,045 पॉइंट पे नजर आ रहा है। मेन चीज दोस्तों कि एएसएम स्टेज 2 में है एंड एएसएम में रहने के बाद दोस्तों आपको पता है कि अभी के टाइम अगर यहाँ पे कुछ ऑपरेटर गेम नजर आता है तो एनएससी बीएससी फिर से स्टॉक को एएसएम स्टेज 4 में ट्रांसफर कर सकती है। डायरेक्ट एएसएम 2 से भाई जाता है 4 में एंड जब निकलता है निकलने में टाइम लगता है। निकलने में स्टॉक पहले 3 में आता है फिर 2 में आता है एंड जब जाता है तो डायरेक्ट 4 में जाता है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिविटी रह सकती है, बट मेन पॉइंट दोस्तों कि अगर ऑपरेटर गेम नहीं लगता है, वोलेटिलिटी सही रहती है, स्टॉक एक लेवल पे सस्टेन्स करता है आने वाले 2-5 दिन, तो एएसएम 2 में से यहाँ पे एएसएम 1 में हमें आता हुआ नजर आएगा। मेन चीज अभी के टाइम 4 करोड़ 61 लाख की टोटल वॉल्यूम नजर आई है, जिसमें से आप देखोगे तो और दोस्तों डेली बेसिस आप देखेंगे 70-20 दिन के आसपास जो डिलीवरी है वो हमें नजर आ रही है। मतलब एक अच्छी खासी डिलीवरी है एंड स्टॉक्स के शेयरों मतलब जो स्टॉक है ना उसकी डिमांड अभी के टाइम अच्छे लेवल पे नजर आ रही है एंड डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट में चीजें सही होते हुए देखने को मिलते हैं। मतलब जो स्टॉक का प्राइस है वो डिमांड ही एक ऐसी चीज है जो स्टॉक के प्राइस को इंक्रीज करती है। करंट टाइम पे देखें 49 लाख अभी के टाइम हमें बायर देखने को मिल रहे हैं, वही दोस्तों 92 लाख हमें सेलर देखने को मिल रहे हैं। करंट टाइम पे अपडेट्स की बात करूं मैं तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है। देखो आज वोलेटिलिटी हमने देखी इंट्राडे चार्ट में, आप देखोगे तो स्टॉक इंट्राडे में भाई गिरावट में भी गया, अराउंड 1 फीसदी के आसपास की गिरावट भी थी, बट अभी के टाइम अगर देखें तो रिकवरी के साथ स्टॉक ने एकदम से यहाँ पे हमें रिवर्सल देता हुआ नजर आया, क्योंकि बॉटम पे स्टॉक में बाइंग आते हुए देखने को मिली। अब मेन पॉइंट रहेगा कि जो रिटेस्टमेंट का लेवल है ना वो कौन सा बनेगा, क्योंकि भाई रिटेस्टमेंट तो ले रहा है आज वापस से 2 दिन की जो गिरावट थी वो तेजी में तब्दील होते हुए नजर आ रही है, बट रिटेस्टमेंट इसके बाद फिर एक ब्रेकआउट बनेगा। तो मेन पॉइंट यहाँ पे है कि रिटेस्टमेंट ले लिया है, अब क्या अभी के टाइम ट्रेस बाइंग कर सकते हैं या अभी वेट करें। मेन चीज दोस्तों आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इस स्टॉक में मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का रहेगा, क्योंकि भाई ये अच्छा कंपाउंडिंग दे सकता है एंड आने वाले टाइम में ऐसा भी होगा कि 1 लाख का यहाँ पे 10 लाख में बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भाई कंपनी अच्छी है, कंपनी की फंडामेंटल अच्छी है, कर्ज मुक्त डेफिनेटली हो चुकी है, तो ग्रोथ में कोई अब यहाँ पे शंका नहीं कि भाई आगे ग्रोथ नहीं करेगा। सुझ लोन के जो पहले के प्राइस थे कि भाई ये पहले 300 पे हुआ करता था तो क्या प्रॉब्लम आई है कि यहाँ पे ये 1 रुपए 2 रुपए पे आया, तो भाई उसके पीछे वजह ये थी कि कंपनी का कर्जा बहुत बढ़ गया, तो कर्जे के अकॉर्डिंग कंपनी भाई 2 बार यहाँ पे डिफॉल्ट होते हुए थे बची है यहाँ पे। तो अब कंपनी ने पहले काम ही यही किया कि कर्जा फ्री करो, तो कंपनी ने क्या किया कर्ज मुक्त अपना जो डाटा है वो यहाँ पे जो बैलेंस शीट है उसको कंपनी ने किया है। देखिए रिटर्न की बात की जाए सुरोल में भी के टाइम 1 फीसदी का रिटर्न है एंड यहाँ पे आप देखोगे पिछले 5 डेज के अंदर स्टॉक ने भाई 3.5% की रैली दिखाई है, वही 1 मंथ में अगर देखें तो 17% तक का धमाका यहाँ पे नजर आया है। वही मार्केट ने भी सेम रैली यहाँ पे दिखाई है एंड अभी के टाइम आप देखोगे देखिए तेजी आई, गिरावट फिर तेजी, फिर गिरावट फिर तेजी, फिर गिरावट फिर तेजी, फिर गिरावट एंड वही पैटर्न यहाँ पे बनेगा फिर से तेजी। तो करंट टाइम पे गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भाई जो असली मोमेंटम वो अब बनेगा, क्योंकि सुज लोन में जितने दिन हम वेट कर रहे थे पिछले 6 मंथ से तो कंटिन्यू स्टॉक भाई कंसोलिडेट कर रहा है एंड जो असली धमाका है वो अब यहाँ पे हमें बनता हुआ देखने को मिला है। कम से कम स्टॉक में 60 रुपए तक के लेवल तो यहाँ पे दिखेंगे, जैसा कि बड़े बड़े ब्रोकरेज ने यहाँ पे बाइंग की रेटिंग दी, वही यहाँ पे टारगेट भी स्टॉक के डिसाइड करे। तो आज जो रिटेस्टमेंट हो चुका है एंड जो रिवर्सल था वो आना था वो आज आ चुका है, अब गिरावट के चांसेस कम है, स्टॉक हमें अपसाइड देखने को मिलेगा। देखिए पावर शेयरों की बात की जाए अभी के टाइम तो पावर शेयरों में दोस्तों कोई ऐसा नहीं कि बड़ी गिरावट है या बड़ी तेजी, नॉर्मली हमें यहाँ पे सस्टेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा पावर के शेयर में दोस्तों आज यहाँ पे 2% के आसपास की रैली है, जिसको भी मैंने आपको बाई करने की अपॉर्चुनिटी बताई थी एंड वही आप देखोगे आपके जो अदर गवर्नमेंट वाले शेयर जैसा कि आप इरेडा भी देखोगे तो ये वोल्टिलिटी में आता हुआ नजर आया। NHPC के अंदर भाई 1 फीसदी की गिरावट है, वोल्टिलिटी डेली बेसिस नजर आ रही है, तो इन्वेस्टर यहाँ पे परेशान है। अब जेप यहाँ पे बात करें हम दोस्तों सुन लोन के चार्ट फैक्टर के बारे में,
तो करंट टाइम पे देखोगे 63 का आरएसआई आ चुका है। एंड यहाँ से अगर हम चार्ट का ठीक से डाटा एनालिसिस करें तो जो सपोर्ट मैंने आपको दिया था कि भाई स्टॉक यहाँ पे 52 रुपीज से रिवर्सल करेगा, इन 52 रुपए का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें बनेगा, तो आज इंट्राडे में इसी लेवल के आसपास हमें देखने को मिला। एंड ये स्टॉक का रिटेस्टमेंट जोन है, एंड यहाँ से रिटेस्टमेंट करके अगेन आपको यहाँ पे रिवर्सल दिखेगा। तो अभी के टाइम गलती नहीं करना, क्योंकि देखो एक चीज यहाँ पे सीधा समझो कि जब कंसोलिडेट कर रहा था ना वॉल्यूम स्टॉक की बहुत कम थी, बट जैसे मोमेंटम बना वॉल्यूम स्टार्ट हो चुकी है। एंड आज भी अगर देखोगे 5-6 करोड़ की वॉल्यूम है, एंड इसी वॉल्यूम जब तक वॉल्यूम आएगी मतलब बायर आते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि 70% के आसपास की डिलीवरी भी है, तो डेली बेसिस यहाँ पे खरीदारी हो रही है। तो अभी के टाइम गलती नहीं करना, एंड क्योंकि देखो ब्रोकरेज बोल रहा 58 जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि भाई इतना टाइम कंसोलिडेट कर चुका है तो 58 से ऊपर ही जाए, क्योंकि भाई 6 महीने कंसोलिडेट का मतलब है कि कई सारे यहाँ पे बड़े प्लेस ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है, नई एंट्री भी यहाँ पे बनाई है। म्यूचुअल फंड वगैरह पे आंकड़ा देखने को मिला था कि म्यूचुअल फंड भी रेगुलर यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। तो अभी के टाइम गलती नहीं करना, एक जो यहाँ पे आपका कंसोलिडेट जोन था वो यहाँ पे टूटता हुआ नजर आए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बड़ा कंसोलिडेट हमें देखने को मिला। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकआउट में रिटेस्टमेंट लगे धमाका होने वाला है, तो वेट करना बेटर डिसीजन रहेगा। एंड करंट टाइम पे अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी कर लो ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिल